हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 9, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नंबर 10 से 9.1। जो एक्सरसाइज हम उसके क्वेश्चन नंबर 9 तक पहले इसके पार्ट 1 में देख चुके हैं। अब पार्ट 2 में हम इसके बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको कवर करेंगे। तो देखते हैं हमारा 10th क्वेश्चन क्या है। तो जब भी ये वीडियो देखो तो अपने पास क्या करना है, तुम्हें पता ही है, एनसीईआरटी बुक अपने पास रखना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ लिखने वाला नहीं हूँ मैं, तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। अब बुक अपने पास रखोगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर ऑफ द रोड। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, तो यहीं से क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। ये हमने दो पोल बना दिए जिनके हाइट क्या रख दी हमने, इक्वल। क्लियर, ये दो हमारे पोल हो गए जिनके हाइट क्या है, इक्वल। ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, ये बीच में से कहीं से रोड है, उन दोनों के अपोजिट साइड पे ये पोल्स है, दोनों के हाइट क्या है, इक्वल है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 और 30। अब ये जो है हमारे पोल, यहाँ से क्या है, इस ग्राउंड पर, इस रोड पर कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं। एक पोल जो बना रहा है वो 60 का बना रहा है, एक जो पोल है वो 30 का बना रहा है, ठीक है। तो उसके आगे क्या दिया है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। हमें क्या करना है, इन दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो भी फाइंड करना है, कि यहाँ पे एंगल बना रहा है वहां पे कितना डिस्टेंस है, और जो रोड है हमारा टोटल वो कितना है, 80 मीटर वाइड है। तो जरा देखो ध्यान से, ये टोटल जो रोड है हमारा कितना मीटर वाइड है, 80 मीटर वाइड है, इतना हमें क्वेश्चन में दे रखा है। लेकिन इस रोड पे कहीं पे एक पॉइंट है जहां पे एक जो पोल है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और एक जो दूसरा जो पोल है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हम किसी को भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों पोल की हाइट क्या है, सेम है। तो इसको हमने ले लिया 30, तो ये कितना हो गया, 60। अब जरा देखो टोटल डिस्टेंस जो है वो 80 मीटर, दोनों पोल्स की जो हाइट है वो क्या है, सेम हाइट है। हमें फाइंड करना और डिस्टेंस फाइंड करना है कि ये डिस्टेंस कितना हो, ये डिस्टेंस। तो हाइट को हम सपोज कर लेते हैं एच, क्योंकि दोनों तरफ क्या होगा, एच ही होगा। लेकिन बीच में जो पॉइंट है ये हमें नहीं बता रखा है कि ये एकदम मिड में है। अगर मिड में होता तो एंगल दोनों के क्या होते, 40-45 होते, लेकिन एक तरफ 60 एक तरफ 30 है, यानी कि ये मिड में तो नहीं है। तो ये जो डिस्टेंस है इधर का और इधर का डिस्टेंस, वही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो जरा देखो कैसे निकाल सकते हैं हम इसको। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारा, 80 टोटल। अगर सॉरी, हमने इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना सपोज कर लिया, एक्स। हमें पता है टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना है, 80 मीटर। तो बाकी का ये जो बचा हुआ वो कितना हो जाएगा, इधर वाला एक्स कट कर दो उसमें से, यानी कि क्या हो जाएगा, ये बचा हुआ यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 80 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि एक्स वाला इधर हो गया, एक्स वाला उधर नेग्लेक्ट हो गया, बचा कितना, 80 माइनस एक्स। क्लियर, टोटल 80 है, तो इधर वाला जो डिस्टेंस हो गया हमारा वो हो गया एक्स, और इधर वाला जो हो गया 80 माइनस एक्स। अब पॉइंट के नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम ए बी, ये सी और ये डी और ये ई। इसका नाम हमने दे दिया ए बी सी। ये जो पॉइंट है ये कौन सा हमारा, सी पॉइंट है, ए बी सी डी ई। अब जरा देखो हाइट फाइंड करनी हो, नीचे वाला जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है, कितने डिस्टेंस पर एंगल बना रहा है। तो देखो जरा, हमें पता है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा, बेस। और परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कहाँ पे होता है, ये बहुत बार क्लियर कर चुके हैं, ठीक है ना। हमें वही एंगल लेना है जिसमें रिलेशन हो, और यहाँ पे पता है परपेंडिकुलर और बेस है, तो किस में होता है वो, 10 में। तो वही चीज हम लेकर चलेंगे। तो लिखेंगे हम इन ट्रेंगल, कौन सा ट्रेंगल ले लेते हैं पहले, ए बी सी। इन ट्रेंगल ए बी सी क्या लेंगे, 10 थीटा इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। क्लियर, 10 थीटा, थीटा कितना दे रखा है यहाँ पे, यहाँ पे देखो 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, एच। बेस कितना है यहाँ पर, 80 माइनस एक्स। 10 30, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, वैल्यू तो हमें पता होनी चाहिए सभी की। 10 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/√3 इक्वल टू एच, वैसा का वैसे डिवाइड में 80 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 80 माइनस एक्स बन जा, 80 माइनस एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा, H√3। क्लियर, क्या करते हैं हम यहां से, किसी की एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल ले, या फिर किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो
हम करते हैं एच की वैल्यू निकाल देते हैं। एच की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी, 80 - x / √3 = h। ये आ गई हमारे पास h की वैल्यू। अब क्या होगा, ये तो एबीसी के लिए हमने सॉल्व कर लिया, अब हम सॉल्व करेंगे ईडीसी के लिए। तो लिखेंगे हम नाउ इन ट्रायंगल ईडीसी, वापिस वही टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। टेन थीटा कितना है इस बार, 60 डिग्री। तो हम लिखेंगे टेन 60। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर सिमिलर एच ही है यहां पर भी। बेस कितना है नीचे, यहां पर बेस कितना है एक्स। टेन 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है हमारी, रख देते हैं यहां पर √3। टेन 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है √3। नीचे क्या है, इधर क्या है हमारा एच बाय एक्स। तो ठीक है यहां पर, अब क्या करते हैं हम यहां से एच की वैल्यू निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स का, तो क्या हो जाएगा x√3 = h। ये आ गए हमारे पास h की वैल्यू। इसको सपोज कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन है, ये क्या है हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो h की जो वैल्यू है हम क्या कर देंगे यहाँ पर पुट कर देंगे, जिससे क्या होगा हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ये हमारा क्या था √3, h √3 है ना, तो √3 नीचे आ गया। क्लियर, h की जो वैल्यू है वो कितनी है x√3। तो इस x की जगह पे हम क्या रख, h की जगह पे क्या रख देंगे x√3। तो लिखेंगे हम यहाँ पर वैल्यू ऑफ एच पुट इन फर्स्ट, करते हैं पुट तो रख देते हैं 80 - x / √3 = में क्या है एच, और एच की वैल्यू कितनी हमारी x√3। अब जरा देखो √3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो हो जाएगा x√3 * √3, कितना हो जाएगा जल्दी देखो, इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में √3। क्लियर, तो इधर है हमारा 80 - x, इधर x वैसा का वैसे √3 * √3, 3 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 3x। ये माइनस का x इधर आके क्या हो जाएगा हमारा प्लस 3x + x। ये माइनस का जो x था इधर आके क्या हो गया हमारा प्लस, इक्वल में क्या चल रहा है 80। तो 80 = क्या हो जाएगा 3x + x 4x, कैंसिल कर दो 4 2 8। x की जो वैल्यू आ गई हमारी वो कितनी आ गई 20। अब x की जो वैल्यू आ गई 20, तो x की वैल्यू कहां पुट कर देते हैं हम सेकेंड में, क्या लिखेंगे हम वैल्यू ऑफ एक्स पुट इन सेकेंड, रख देते हैं क्या हो जाएगा एच इक्वल टू एक्स के यहाँ पे 20, और इधर क्या है हमारा √3। तो जो हमारा पोल है उसकी हाइट कितनी है 20√3। यहां पर भी छोड़ सकते हो, और अगर चाहो तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, इस तरह से सॉल्व कर सकते हो कि ये 20 और √3, √3 की वैल्यू रख दो यहां पर, कितनी होती है 1.732, और मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर भी छोड़ दोगे तो भी सिंपल आंसर सही है, लेकिन मीटर जरूर लगाना है। क्यों, क्योंकि सारी जो यूनिट है वो किसमें चाहिए हमें, मीटर में, क्योंकि इधर 80 मीटर दिया है। अब जरा देखो पोल की जो हाइट हो गई वो हो गई 20, ये वाला जो एक पहला पोल था जो 60 डिग्री का एंगल बना था वो कितने डिस्टेंस पर है 20, बाकी का जो बचा हुआ होगा वो दूसरा वाला पोल वो कितने का होगा, तो 80 - x, यानी कि वो जो दूसरा पोल है सेकेंड पोल जो है हमारा जितना जो एंगल 30 बना रहा है वो कितने डिस्टेंस पर है, बीसी का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 80 - x, यानी कि BC = 80 - 20, BC = हो जाएगा 80 - 20 कितना हो गया 60। क्लियर, तो एक जो पोल 30 डिग्री का एंगल बना रहा है वो 60 मीटर दूर डिस्टेंस पर है, और जो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है वो कितने डिस्टेंस पर है 20 मीटर का। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, स्किप करके इसको जल्दी से नोट करो, फिर देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझे बताना। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11, पहले एक्सप्लेन कर देता हूं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है। तो अपने पास एनसीईआरटी बुक रखना, उसको एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब यहाँ पर क्या है, एक टावर है, एक जो टावर है वो कहाँ पर है, ये हमारी कोई रिवर हो गई, इस रिवर के कैनल, कैनल मतलब जो किनारा होता है वहां पे एक टावर है ये कहीं पर। ठीक है, ये टावर हो गया हमारा, इस टावर की हाइट हमें फाइंड करनी है, उसको हम सपोज कर देते हैं। अब इसको समझो जरा, और चीज क्या दी है उसमें, इसमें दिया है कि एक जो पॉइंट है वो कहाँ पर है, अनदर कैनल, मतलब जो दूसरा किनारा है उस नदी का या कैनल का, जो दूसरा किनारा है उस पर एक पॉइंट है कहीं पर, वहां से कुछ एंगल बना रहा है, वो जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, वो 30 डिग्री। अब उसके आगे दिया उस पॉइंट से 20 मीटर अभी,
उस पॉइंट से हमें कहाँ जाना है, 20 मीटर अभी जाना है, तो एंगल कितना बन जाता है हमारा, 60 डिग्री। तो अब ये तुम्हारे माइंड में फिक्स हो जाना चाहिए कि 20 मीटर अभी का मतलब तो दूर होता है, इधर जाएगा तो 60 डिग्री बनेगा या इधर जाएगा तो बनेगा, क्योंकि हमें पता है इधर जैसे ही जाते जाते तो एंगल क्या होता है हमारा, इंक्रीज होता जाता है, 30, 40, 60, यहाँ पर आके जाके क्या हो जाएगा एकदम 90। तो 20 मीटर अभी मतलब इधर से वो कितना जाएगा, 20 मीटर यहाँ जाएगा, ये जो डिस्टेंस है 20 मीटर इधर जाएगा, तो फिर यहाँ से टॉप से उसी टावर के टॉप से कितना एंगल बना लेगा वो, 60 डिग्री। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से? क्वेश्चन में क्या है, एक टावर है हमारा जो एक नदी के एक किनारे पे है, दूसरे किनारे पे एक पॉइंट है, वहां से एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री, फिर कुछ पॉइंट पर उस पॉइंट से कितना 20 मीटर अवे 20 मीटर की दूरी पे एक और एंगल बना रहा है किसी एक पॉइंट से, और वो एंगल कितना बना रहा है, 60। तो हमें बताना है कि कैनल की जो विड्थ है वो कितनी है, तो हमें इधर का अभी नहीं पता हमें ये कितना है, तो इसको सपोज कर देते हैं हम एक्स, और इधर वाला तो हमारे पास कितना है 20, तो टोटल विड्थ कितनी हो जाएगी कैनल की, x+20। हमें हाइट फाइंड करनी है और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जब एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो कैनल की विड्थ अपने आप आ जाएगी। इसका नाम हम दे देते हैं ABCD। क्लियर, क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बाकी की सारी चीजें तो हमें लिख लेना है कि ए बी क्या है, हाइट ऑफ टावर है, बी सी क्या है, जहां पर एंगल 60 है उसका डिस्टेंस हमने लिया है, 20 मीटर उसका डिस्टेंस दिया है पॉइंट से। क्लियर, अब जब देखो परपेंडिकुलर इधर इधर क्या है हमारा बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन एक ही जगह पर होता है टेन थीटा में, कोट में भी होता है, लेकिन वहां पे बात ही नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी बात, क्योंकि मैंने पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि हम 99% जो चांस है वो साइन कोस और टेन को ही लेंगे। क्लियर, तो लेते हैं इसमें हम वापस, भाई लिखते हैं इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी टेन थीटा जो होता है हमारा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, एबीसी में एंगल कितना है 60 डिग्री, तो लिखेंगे हम टेन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास एच, बेस कितना है एक्स, टेन 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है हमारे पास √3 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है एच है, नीचे कितना है एक्स, एच की वैल्यू निकाल लो यहां से कितनी आ जाएगी, एच इक्वल टू √3 इंटू एक्स, ये आ गई हमारे पास एच की वैल्यू। अब लिखेंगे हम नाउ, अब कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे, एबीसी तो ले लिया हमने छोटा वाला, बड़ा लेंगे ए बी डी, नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, देखो जरा क्या हो जाएगा, टेन थीटा किसके बराबर होता है वापस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, टेन थीटा कितना हमारे पास 30, तो रखेंगे टेन और यहाँ पर 30, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास एच, बेस कितना हो जाएगा, ये देखो टोटल बेस रखा है, ऐसा नहीं रख देना कि 20, 20 तो तब होता जब ए सी डी लेते, और हमेशा एंगल हम यहां से लेते जहां से 90 हो, तो हमने लिया ए बी डी, तो उसके लिए बेस कितना हो जाएगा बी डी, और बी डी कितना है टोटल, इधर एक्स इधर 20, यानी कि x+20 रख देते हैं, x+20, टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इक्वल टू एच डिवाइड बाय x+20। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, x+20 बन जा x+20 इक्वल टू एच इंटू √3 एच √3। क्लियर, अब जरा देखो क्या कर सकते हैं हम यहां पर, या तो क्या करते हैं यहां से x की वैल्यू निकाल ले या फिर h की वैल्यू निकाल ले, h की वैल्यू निकालो तो कहाँ रख देंगे, यहां पर रख देंगे, ठीक है h की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, h की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, इधर क्या है हमारा x+20, ये √3 कहाँ चला जाएगा, इधर h और √3 के बीच में सिंबल मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई वाला नंबर डिवाइड में आ गया, इसको सपोज कर लेते हैं 1, इसको सपोज कर लेते हैं हम 2, तो लिखेंगे यहां पर वैल्यू ऑफ h पुट इन फर्स्ट, जो एच की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, तो एच की जगह पे क्या रख देंगे हम x+20 डिवाइड बाय √3 रख दिया हमने, x+20 डिवाइड बाय √3 एच की वैल्यू है, तो एच की जगह पे रख दिया हमने x+20 डिवाइड बाय √3 इक्वल टू में क्या चलता है हमारा √3x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं अब जरा, x+20 इधर वैसा का वैसा ही, √3 इंटू एक्स इंटू √3 कितना हो जाएगा, √3 इंटू एक्स इंटू √3 कितना हो जाएगा, जल्दी से देखो √3 इंटू √3 3, 3 इंटू एक्स 3x, प्लस का एक्स इधर आकर माइनस, तो 3x माइनस एक्स इक्वल टू 2,
20। 3x में से x जाएंगे तो कितने जाएंगे इधर, 2x, इक्वल में क्या चल रहा है हमारा 20। x की वैल्यू निकालोगे तो कितना जाएगा, 2 1 2 और ये 0। x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास 10। x की वैल्यू कहां पर पुट कर देते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो रख देते हैं वैल्यू ऑफ x पुट इन फर्स्ट, रख देते हैं वहां पर x की जगह पर कितना रख देंगे 10, तो h की वैल्यू कितनी जाएगी 10√3। टावर की जो हाइट है वो कितनी आ गई 10√3। x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 10, यानी कि जो पॉइंट है वो कितने डिस्टेंस पर है, 10 मीटर के डिस्टेंस पर है। इधर मीटर लगाना नहीं भूलना है, क्लियर। हमें पता है विड्थ निकालनी है, तो विड्थ जो है किसके बराबर है, x प्लस 20 के बराबर। x कितना निकाला हमने 10, और 20 वैसा का वैसे ही, तो टोटल जो विड्थ आ गई वो कितनी आ गई उस कैनल की, 30 मीटर। स्किप करके इसको जल्दी से नोट करो, फिर करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगर कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताओ उसको, फिर हम उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करो, फिर करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, तो एक्सप्लेन कर देता हूं मैं पहले। क्वेश्चन क्या है, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, तो पहले क्या कर देते हैं हम, 7 मीटर हाई एक बिल्डिंग यहाँ पर बना लेते हैं, क्लियर। हमने बना ली है जो बिल्डिंग है, ये कितनी मीटर हो गई, 7 मीटर हाई हो गई। अब ये क्या है, एक टावर है कहीं पर इधर, ये हमने एक टावर बना लिया। ये 7 मीटर हाई जो बिल्डिंग है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है उस टावर से। एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ पे बनता है, यहाँ पर। इसका जो टॉप है, द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, जो टॉप है उसका वो कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। ध्यान से क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है, ध्यान से समझो क्वेश्चन में क्या रखा है, कि जो टावर है वो जो बिल्डिंग का टॉप है वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बनता है, यहाँ पर। वो डिप्रेशन कहाँ बनता है, ऊपर बनता है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। लेकिन उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में, कि वही जो है उसके फुट से, पहले तो टॉप का बोला, टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, लेकिन जो बिल्डिंग है उसके फुट से अब वो क्या बना रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ पे बनता है, यहाँ पे बनता है। और फुट कहाँ है बिल्डिंग का, यहाँ पर। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 45 का। ध्यान से समझना, जो टॉप जो बिल्डिंग है उसके टॉप से बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन उस टावर के ऊपर वाले पॉइंट पे, तो एलिवेशन बनता है यहाँ पर। हमने देखा था इस तरह का हमारा क्वेश्चन रहता है, जहां पर ये जो एंगल बनता है एलिवेशन बनता है, इधर जो बनता है वो डिप्रेशन बनता है, क्लियर। ऊपर जो एंगल बनता है वो डिप्रेशन, तो ऐसे ही क्वेश्चन में दे रखा है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके टॉप से टावर के पास जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन वो 60 डिग्री है, और उसके फुट से जो एंगल बन रहा है वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो कितना है, 45। तो अब जरा देखो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर ऐसा, ये क्या है हमारा, जेड बन रहा है। जब अगर जेड बन रहा है तो हम 9th में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, यहाँ पर 45 है तो यहाँ पर भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस कितना हमारे पास, 7, तो ये वाला इधर वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 7। और ये जो ऊपर का टावर है इसको हम सपोज कितना कर लेते हैं, x। इसका बेस हमारे पास नहीं है तो हम बेस बेस को ले लेते हैं x। अब इसका नाम दे देते हैं हम, ए बी सी डी और ई। हमें क्या करना है, देखो जरा, ये x है तो ये भी कितना होगा, x ही होगा, क्योंकि दोनों क्या है, सिमिलर लाइन है। जैसे ये 7 है, ये भी क्या है, 7। हमें जो टावर है उसकी टोटल हाइट फाइंड करनी है, यहाँ से इतना तो 7 है, एच की वैल्यू निकाल कर उसमें ऐड करना है, और नीचे वाला जो बेस है उसको भी फाइंड करना है। मुझे लगता है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक्स को सॉल्व कर लेते हैं, वापिस क्वेश्चन को रिपीट कर लेंगे, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले कौन सा एंगल ले लेते हैं, बी सी डी, उसके बाद ले लेंगे हम ए बी ई। ऐसा मत ले लेना ए सी डी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो हमें नहीं दिया है, एंगल इधर का दिया, तो हम क्या लेंगे फिर, ए बी ई, क्लियर। पहले ले देते हैं हम बी सी डी, तो लिखते हैं इंटर एंगल बी सी डी, परपेंडिकुलर बेस का ये यहाँ पर भी, तो वापस टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, 10। थीटा कितना दे रखा है, 45। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, 7। बेस कितना है, एक्स। 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। इधर क्या है, 7/x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, एक्स बन जा x इक्वल टू 7, बन जा 7। x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास, 7। अब हम सॉल्व करते हैं ए बी ई को, तो लिखेंगे नाउ
ट्राइंगल ए बी ई, ठीक है, देखते हैं ए बी में क्या होगा। तो वापस वही टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे टेन थीटा से सॉल्व हुए हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी बेस और परपेंडिकुलर का ही है। तो परपेंडिकुलर टेन थीटा, थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री, टेन 60। परपेंडिकुलर कितना हमारे पास एच, बेस कितना हमारे पास एक्स। टेन 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है हमारी, रूट थ्री इक्वल टू एच डिवाइड बाय एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी निकाल कर लेकर आ गए हम, 7। तो एच की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी इधर, 7√3। क्लियर। अब देखो उसके बाद हाइट ऑफ टावर कितनी हो जाएगी हमारी, जो हमारी हाइट ऑफ टावर है वो कितनी हो जाएगी, 7 + h। 7 में से h कितना निकाला हमने, 7√3। कॉमन क्या जाएगा इसमें से, 7। अंदर क्या बचेगा, 1 + √3। चाहो तो इस √3 की वैल्यू क्या कर सकते हो यहाँ पर रख सकते हो, और नहीं चाहो तो रहने दो। उसके आगे क्या लगा देना है तुम्हें, मीटर। क्लियर। मुझे लगता है ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट करके तुम मुझसे पूछ सकते हो। इसको स्किप करके जल्दी से नोट करो, फिर करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत सिंपल है, बस उसको थोड़ा सा ध्यान देना है तुम्हें। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले मैं। एक कहीं पे हमारा ये लाइट हाउस है, ठीक है, ये हमारा लाइट हाउस हो गया। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा ओशन हो गया, ये हमारा ओशन नहीं सी हो गया। ओशन में कहाँ पे लाइट हाउस होगा, सी के किनारे हो सकता है। ये हमारा लाइट हाउस हो गया जिसके हाइट दे रखी है 75 मीटर। इधर कहीं पे हमारा सी है, सी में क्या है, दो बोट है एक दूसरे के पीछे। एक बोट हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पर, एक बोट जो है वो यहाँ पर है। क्लियर। अब यहाँ से ये जो दोनों बोट है ये बना रही है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये जो बोट है ये क्या बना रही है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ पे बनता है, लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है हमारा वो बनता है कहाँ पर, ऊपर। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना रहा है वो कितने कितने के बना रहे हैं, एक जो बना रहा है 30 का, एक बना रहा है 45 का। तो जरा देखो, 30 का यहाँ पर बनेगा, 45 का यहाँ पर। इधर जाते जाएंगे तो एंगल क्या होता जाएगा, इंक्रीज। तो अब जरा देखो ये क्या बन गया हमारा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है ऊपर, उसी से हम क्या करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन बना देंगे, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो एंगल ऑफ एलिवेशन से ही सॉल्व होते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया तो उससे भी हमें एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है। तो जरा देखो ये जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। भागे जाएंगे तो 45, यहाँ पे एकदम ऐसे आ जाएगा तो 90। ये क्या बन रहा है हमारा, जेड, मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो भी कितना हो जाएगा, 30। और ये वाला भी देखो क्या बन रहा है, जेड, ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45। अब इसका डिस्टेंस जो है हमें बताना है कि ये जो बोट एक दूसरे के पीछे जो बोट है, ये जो शिप है, इसका डिस्टेंस हमें बताना है। तो इसका डिस्टेंस हम सपोज कर लेते हैं एक्स, और इसका कितना सपोज कर लेते हैं वाई। जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। अब नाम दे देते हैं इसका ए बी सी और डी। वापिस परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर दिया बेस वाला निकालना है। इधर हाइपोटेनस निकालना होता तो क्या करते हैं हम, साइन थीटा पे जाते हैं, क्योंकि साइन में होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों का रिलेशन है, तो टेन थीटा को लेंगे वापस। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी, टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है हमारा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। टेन कितना है, एंगल कितना है यहाँ पे, 45। ए बी सी में एंगल कितना है हमारा, 45। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 75। बेस कितना है हमारा, एक्स। तो क्या हो जाएगा, 10 45 की वैल्यू 1, 1 इक्वल टू 75 डिवाइड बाय एक्स। एक्स बन जा एक्स इक्वल टू 75। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फर्स्ट पार्ट हो गया सॉल्व हमारा। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो लिखेंगे हम नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए बी डी। लेते हैं हम ट्रायंगल ए बी डी, क्या हो जाएगा यहाँ पर, वापिस 10 थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। 10 थीटा, थीटा कितना दिया हमारा एंगल, 30। तो रखेंगे हम यहाँ पर 10 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है हमें, 75। बेस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा ए बी डी के लिए, बहुत सिंपल है। बी डी का बेस कितना है टोटल, ऐसा मत लिख देना वाई, वाई तो सिर्फ ए सी डी के लिए हो जाएगा, और हम दे रहे हैं ए बी डी। 90 से देते हैं हमेशा एंगल, यहाँ पे 90, तो ए बी डी
बीडी है, हो जाएगा बेस, और बीडी कितना है, एक्स प्लस वाई। टेन थर्टी की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। वैल्यू याद होनी चाहिए ये सारी तुम्हें, अगर नहीं आती तो हमने जो ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोडक्शन करा था वहां पे ये वैल्यू निकालना सिखाई है, वहां से तुम सीख सकते हो। क्लियर? इधर रख देते हम 75 / x + y, क्लोज मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, x + y बन जा, x + y इक्वल टू 75 × √3, 75√3। एक्स की वैल्यू कितनी निकाल कर आ गए हम, 75, तो रख देते हम 75 + y इक्वल टू 75√3। प्लस का 75 उधर जाके माइनस, तो 75√3 - 75। y इक्वल टू 75, दोनों में से क्या आ जाएगा कॉमन, अंदर क्या बचेगा √3 - 1। तो y की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास, √3 - 1, ओ 75 √3 - 1। और x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 75। इसको यहां पर भी छोड़ सकते हो मीटर लगाकर, और चाहो तो इसको आगे भी बढ़ा सकते हो। आगे कैसे बढ़ा सकते हो, √3 की वैल्यू रखकर, रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं रखना चाहो तो कोई बात नहीं है, जैसे तुम। यहां पर भी अगर छोड़ दिया तो ये आंसर भी हमारा सफिशियंट है, रख देते हैं। लेकिन वैल्यू 75 √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732 - 1। y इक्वल टू 75 × 1.732 में से बन जाएंगे तो कितने बचेंगे सर, 0.732। इसके आगे मल्टीप्लाई कर लेना और जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारा आंसर हो जाएगी, और यूनिट लगाना मत भूलना, नहीं तो यूनिट के मार्क्स कट हो जाएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, स्किप करके इसको जल्दी से नोट करो, फिर करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो कंफ्यूज करने के लिए। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, ठीक है, समझ लो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ये जो हो गया ये ग्राउंड हो गया, यहां से लेकर यहां तक ये जो हो गया ये क्या हो गया हमारा, ग्राउंड। क्लियर? अब यहाँ पे क्या एक लड़की है, लड़की बना देते हैं यहाँ पर, ये लो एक लड़की बना दी हमने, ठीक है ना, लड़की है, उसके आंसू, लड़की का जो होता है वो क्या होता है, रोने लायक होती है फेस, तो हम उसको आंसू निकाल देते हैं, ठीक है। लड़की जो है वो कितने है उसकी है, यहाँ पर उसकी आईस है, ये आईस जो है उसकी कितनी टॉल कर ले, वो 1.2 मीटर, तो 1.2 मीटर के डिस्टेंस पे उसकी क्या होगी, आइस होगी। ग्राउंड यहाँ पर, ग्राउंड से जो लेंथ है उस लड़की की वो कितनी, 1.2 मीटर, तो यहाँ पर हमने उसको बना दिया उसकी आइस है, तो यहाँ से वो कुछ भी चीजें होगी, तो इसी के लिए क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम बना लेते हैं उसी ग्राउंड के थ्रू उसकी आइस को लेकर, ठीक है, इतना चीज क्लियर। अब क्या हुआ, यहाँ पर दो बलून है कहीं पे, इधर जो है क्या है, बलून है, वो हवा में क्या कर रहे हैं, उड़ गए इधर, ये जो बलून है वो हवा में क्या कर रहा, फ्लो कर रहा, उग रहा है। अब जो आईस है लड़की की, वहां से वो क्या करती है, उस बलून को देखती है, तो जो एंगल बना था उस टाइम पे, दो एंगल दिए वहां पे, एक दिया 30 और एक दिया 60, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब वो क्या होता है, बलून क्या होता है, एक जगह से जब दूसरी जगह मूव होता है तो जो एंगल है, जैसे मैं यहां से देख रहा हूं तुम्हें, ऐसे देख रहा हूं, अगर मैं बेंड हो जाऊं या किसी और डायरेक्शन में चले जाऊं और फिर वहां से तुम्हें देखूंगा, तो फिर एंगल क्या हो जाएगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो बलून यहाँ पर है, फिर बलून क्या हो गया, अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है, जो गर्ल है उसकी तो पोजीशन फिक्स है, लेकिन जो बलून है वो पोजीशन क्या करता है, अपनी चेंज, तो जो एंगल है वो भी चेंज हो रहा है, और एंगल कितना हो जा रहा है फिर 60 डिग्री। तो पहले हम देख लेते हैं बलून कहाँ पर है, हमारा यहाँ पर है, और तब एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री, ठीक है। सपोज कर लेते हैं यहाँ पर हमारा बलून जो है ये यहाँ पर है, और यहाँ से जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, ये गर्ल यहाँ पर है, तो यहाँ से जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, वो 60 डिग्री का, ओ सॉरी 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब क्या हो, कुछ पोजीशन के बाद बलून की हाइट सेम ही नहीं है, बलून की जो भी हाइट है वो भी दी है क्वेश्चन में, लेकिन बलून कुछ देर के बाद क्या होता है, अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, मतलब यहाँ है तो वो कहीं इधर आ जाता है, जब वो इधर आ जाता है तो एंगल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जो एंगल चेंज हो जाता है वो कितना हो जाता है हमारा, जो एंगल है वो कितना बना देता है फिर, वो 60 डिग्री का, फिर जो एंगल बना देता है वो कितने डिग्री का एंगल बना देता है, 60 डिग्री का। क्यों बना देता है, देखो बलून क्या होता जा रहा है, पास आते जा रहा है, ऐसे ही जैसे पास आते जाएगा तो एंगल क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे,
60, फिर आगे जाएगा और 70, फिर 80, जैसे ही इस लड़की के जस्ट ऊपर आ जाएगा तो एंगल क्या हो जाएगा, 90। अब जो बलून है वो कितनी ऊंचाई पे होगा ग्राउंड से, ग्राउंड से वो जो ऊंचाई पर है जिसकी लेंथ है, जिसकी हाइट दे रखी है हमें, वो दे रखी है क्वेश्चन में, उसकी जो लेंथ दे रखी है, हाइट दे रखी है जो है 88.2। मतलब ये जो ग्राउंड है वहां से लेके बलून का जो टॉप है वो दे रखा है 88.2। लेकिन हमें इस 88.2 से काम है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो दिया है डिस्टेंस कहां से, ग्राउंड से। वो जो एंगल बन रहा है वो कहां से बन रहा है, इस ब्यूटीफुल गर्ल की आईज के पास से। क्लियर? तो आई से इसकी यहां पर, यहां से क्या करना है, एंगल बन रहा है, तो यहीं से क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं कैसे, क्योंकि गर्ल है हमारी 1.2 मीटर की और ग्राउंड से बलून का डिस्टेंस है 88.2। तो 88.2 में से ये 1.2 क्या कर देंगे हम, माइनस। तो कर देते इधर माइनस 88.2 माइनस 1.2 कितना जाएगा, 2 में से 2 गए 0, 8 में से बन गए 7, इधर कितना आ गया 87। यानी कि यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारा, 87। और ये वाला जो डिस्टेंस है वो भी कितना है, 87। क्लियर? अब इसका हम नाम दे देते हैं, ए बी सी डी और ई। इसका डिस्टेंस हम सपोज कर लेते हैं एक्स है, इसका डिस्टेंस हम सपोज कर लेते हैं वाई है, और जो बलून का डिस्टेंस दिया है वो तो दे रखा है 87। निकाल दिया हमने, ग्राउंड से 88.2 था लेकिन गर्द के आइस से देखना है तो कितना आ गया हमारा, 87। अब ये जो एक्स और वाई है इतना डिस्टेंस मूव कर रहा है तो एंगल चेंज हो रहा है, वही क्या करना है हमें, फाइंड करना है। तो निकालते हैं उसको, तो इसके दो सेपरेट सेपरेट डायग्राम बना ले क्या, यहाँ पर इसमें कंफ्यूजन हो रहा हो तो पहले हम बना लेते हैं ए बी डी को। यहां पर बना लिया हमने ए बी और डी, ए बी डी, ए बी डी का एंगल कितना दे रखा है हमें, 30 डिग्री, और बी डी का डिस्टेंस कितना है टोटल, ये देखो टोटल लिखना पड़ेगा तो वाई प्लस एक्स है। क्लियर? इधर का डिस्टेंस तो 87 है। एको जो एक बन रहा है वो कितना बन रहा है ट्रायंगल, वो बन रहा है ई सी डी, तो ई सी डी को बना लेते हैं इधर, ई सी डी में एंगल बन रहा है 60, डिस्टेंस कितना दे रखा है सिर्फ एक्स, टोटल हाइट इधर कितनी दे रखी है हमें, 87। तो हम एक बार सॉल्व कर लेंगे ए बी डी के लिए, एक बार सॉल्व कर लेंगे ई सी डी के लिए। क्लियर? तो सबसे पहले लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी, परपेंडिकुलर और बेस का ही है तो वापस टेन थीटा ही लेना पड़ेगा, टेन थीटा इक्वल टू कितना, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, टेन थीटा, थीटा कितना है 30, तो टेन 30, परपेंडिकुलर कितना है 87, बेस कितना है वाई प्लस एक्स, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू 87 डिवाइड बाय वाई प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स बन जा वाई प्लस एक्स इक्वल टू 87, और ये √3 कहाँ जाएगा, इधर 87√3। ये तो आ गई हमारे पास y प्लस x इक्वल टू 87√3। अब क्या करते हैं हम ट्रायंगल लगाते हैं ई सी डी। नाउ इन ट्रायंगल ई सी डी वापिस टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, टेन थीटा, थीटा कितना दे रखा है इस बार 60, तो टेन 60, परपेंडिकुलर कितना है, डिस्टेंस कितना है उसका 87, बेस कितना हो जाएगा एक्स, टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इक्वल टू में क्या है 87 डिवाइड बाय एक्स, एक्स की वैल्यू निकालो √3 कहाँ जाएगा नीचे, तो 87 डिवाइड बाय √3। ये बना लेते हैं फर्स्ट, ये बना लेते हैं हम सेकेंड। ठीक है, अब जरा देखो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 87 डिवाइड बाय √3, तो एक्स की वैल्यू को कहां पे पुट कर देते हैं हम, यहां पर पुट कर देते हैं। क्लियर? ठीक है, रख देते हैं। तो लिखते हैं हम वैल्यू ऑफ एक्स पुट इन फर्स्ट, रख देते हैं उधर क्या चल रहा है हमारा, वाई प्लस एक्स की वैल्यू कितनी 87 डिवाइड बाय √3 इक्वल टू, इक्वल में क्या चल रहा है 87√3, √3 को मल्टीप्लाई करेंगे √3, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं अब इसका। ठीक है, तो लेक पूरा का पूरा लेके आते हैं, इधर बचेगा हमारा वाई, इधर है हमारा 87√3, ये प्लस का नंबर इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 87 डिवाइड बाय √3, इधर क्या बचा वाई,
एलसीएम लेंगे इधर तो क्या हो जाएगा, रूट थ्री बन जा रूट थ्री, 87 रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री माइनस 1 इंटू 87 87 वाई इक्वल टू। अब जरा देखो 87 को मल्टीप्लाई किस में कर देते हैं, 3 में, 3 7 जा 21 के 1 कैरी 2, 3 8 जा 24, 24 टू 26 माइनस 87 डिवाइड बाय रूट 3, y की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 11 में से 7 गए तो 4, यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 15, 15 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7, इधर कितना बचा हमारा यहाँ पर 1 और नीचे कितना है रूट 3, y की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारी 174 डिवाइड बाय रूट 3 और x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 87 डिवाइड बाय रूट 3। और चाहो तो इन दोनों नंबरों का यहाँ पे क्या कर सकते हो, तुम रैशनलाइजेशन कर सकते हो, रूट थ्री का ऊपर मल्टीप्लाई रूट थ्री से डिवाइड, तो ये नंबर 3 5 से 15 कैरी टू 3 8 24 तो कितना आ जाएगा 58 आ जाएगा यहाँ पर 58 रूट थ्री, और इधर कितना आ जाएगा 3 2 6 3 9 27 29 रूट थ्री। क्लियर, इतना भी अगर छोड़ोगे तो चलेगा लेकिन मीटर लगाना भूले तो बिल्कुल नहीं चलेगा। क्लियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14, समझ में तो आ गया होगा। एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं मैं क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन है। क्या है, एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है जो क्या है बलून कहीं आसमान में उगा है, और बलून जो है वो ग्राउंड से 88.2 मीटर की ऊंचाई पे है, वहां पे उगा है, तो जो गर्ल है उसकी आई से एक जहां पे बलून पहले है वहां पे एंगल बनता है 30 डिग्री का, लेकिन कुछ देर के बाद बलून क्या अपनी पोजिशन चेंज कर देता है, तो पोजिशन चेंज कर देता है एंगल कितना बनता है फिर 60 डिग्री। तो जरा देखो 60 डिग्री बन रहा है मतलब कि बलून क्या होता जा रहा है उसके ऊपर आता जा रहा है, ऐसे ऐसे लाइन में है तो वो क्या एंगल ज्यादा है ये कम है, फिर ऊपर जैसे आता जाएगा उस लड़की के जस्ट ऊपर आ जाएगा तो 90 हो जाएगा, जब 60 हो मतलब वो पास आ गया, तो हम इधर वाला डिस्टेंस ले लेते हैं वाई, कितना पास आ गया वाई पास आ गया, तो एंगल कितना बन गया वो 60 डिग्री का। गर्ल की हाइट जो है 1.2 मीटर है और बलून जो है ग्राउंड से फ्लो कर उगा है, तो हम क्या करेंगे 88.2 में से 1.2 मीटर को माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि आइस से एंगल बन रहा है, फिर हमने दोनों को सेपरेट सेपरेट बना लिया, बाकी की वैल्यू तो निकल ही जाएगी, तो स्किप करके इसको जल्दी से नोट करो, फिर बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन उनको करते हैं। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5th, जो काफी क्वेश्चन नंबर 15 जो काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन में क्या है देखते हैं, ये हमारा कहीं पे क्या है टावर है, ठीक है टावर पर एक मैन है यहाँ पर कहीं, ये जो है एक पर्सन है, ठीक है अब यहाँ से क्या है ये हमारा रोड है, यहाँ से वो क्या कर रहा है उस एक कार उस रोड पर जा रही है उसको देखता है, यहाँ से देख रहा है मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है उसका कुछ, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है उसका कुछ यहाँ से इधर, लेकिन कार क्या जैसे उसकी तरफ आती है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता जाता है चेंज होता जाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है ऊपर, पहले जो बनता है वो कितना बनता है 30 और फिर बनता है वो 60 जैसे कार की पोजीशन चेंज होती है। क्लियर, तो अब यहाँ पे इतना सा समझो जरा ध्यान से, ये क्या है 30 डिग्री, देखो जरा क्या बन रहा है हमारा जेड, तो इधर क्या हो गया 30, यहाँ पर भी क्या है जेड है, तो ये क्या बन गया हमारा 60 डिग्री, इतना तो क्लियर हो गया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन से हमने एंगल ऑफ एलिवेशन बना लिए, और जो टावर है उसकी जो लेंथ दे रखी है क्वेश्चन में वो हमारे पास वैल्यू उसकी भी नहीं दे रखी है, हमें जो टावर है उसकी हाइट भी नहीं दे रखी है और ना ही जो फुट है उसकी डिस्टेंस दे रखा है, सिर्फ हमें कुछ पॉइंट गिवन है, और वो पॉइंट क्या है हमारा सपोज कर लेते हैं कि जो टावर है उसकी हाइट कितनी है एच, लेकिन इतना हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि जो कार है जब एंगल 60 डिग्री बनाती है तो वो पहले वाले टाइम से कितनी देर बाद बनाती है वो 6 सेकेंड लेटर। क्लियर, मतलब ये कितना टाइम इधर जाती है 6 सेकेंड लेटर, ये टाइम दे रखा है उसने क्वेश्चन में, हमें क्या दे रखा है टाइम, मतलब कि 6 सेकेंड के बाद जब वो देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है 60 डिग्री, डिस्टेंस नहीं दे रखा है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि इधर का डिस्टेंस हमारा वाई है, उधर का डिस्टेंस क्या है हमारा एक्स है, और हमें ये बताना है कि जहां पे 60 डिग्री का एंगल जो बन रहा है उस पॉइंट से उस टावर के फुट तक पहुंचने में उस कार को कितना टाइम लगेगा, यहां से जहां से 30 बन रहा है वहां से उस पॉइंट तक तो जाने में 6 सेकेंड लग रहे हैं,
अब बताना है कि जहां से एंगल 60 बन रहा है वहां से उस टावर के फुट तक जाने में उस कार को कितना टाइम लगेगा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि इधर का डिस्टेंस कितना है हमारा एक्स है, इधर का कितना हो गया वाई। नाम दे देते हैं हम इसका ए बी सी और डी। तो टाइम दे रखा है 6 सेकेंड यहां से यहां तक का। तो हम पहले तो सॉल्व करते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस के उससे ही, ठीक है। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल, जो टाइम उसका भी इंपॉर्टेंट है, आगे देखेंगे क्या है। इन ट्रायंगल ए बी सी टेन थीटा किसके बराबर होता है हमारा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। टेन थीटा, थीटा कितना दे रखा है 60। तो टेन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है एच, बेस कितना है हमारा एक्स। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इक्वल टू में एच डिवाइड बाय कितना है एक्स। एच की वैल्यू निकालेंगे तो कितना जाएगा √3, √3 इक्वल टू एच। ये तो निकाल दिया हमने एच की वैल्यू। अब देखते हैं हम बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी डी। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी कितना हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। थीटा कितना दे रखा है इस बार 30। तो टेन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है एच, और बेस कितना हो जाएगा टोटल एक्स प्लस वाई। तो टेन 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू एट डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई। अब उसके आगे देखो जरा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स प्लस वाई बन जा एक्स प्लस वाई इक्वल टू एट इंटू √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पर। एच की जो वैल्यू है वो कितनी है √3 x। एच की जगह पे हम क्या रख देंगे √3 h। क्लियर, एच की जो वैल्यू है वो क्या है हमारी √3 x, और इधर क्या है हमारा वैसे पहले से चल रहा है √3। √3 तो ये एच की वैल्यू हमने कितनी रख दी √3। एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया हमारा √3 × √3 3, 3 × x 3 x, प्लस का x इधर आकर माइनस, तो क्या हो जाएगा 3x - x। वाई इक्वल टू 3x में से x गए तो 2x। वाई की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास 2x, और इधर कितना हमारा x है। अब हम देखो जरा, हमें पता है यहां पर ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वाई, उसमें टाइम कितना लग रहा है वो 6 सेकेंड, और हमें पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम कितना दे रहा है 6 सेकेंड, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा उसने, यहाँ पे देखो सीटी के लिए बात कर रहे हैं, इधर हम सीटी का डिस्टेंस जो है उसने कितना ट्रेवल करा वाई, ठीक है। स्पीड कितनी है उसकी उस टाइम पर, स्पीड हम सपोज कर लेते हैं उसकी क्या है के है। तो वाई की वैल्यू निकालो, वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 के। अब क्या कर देते हैं हम यहीं पर वाई की वैल्यू को क्या रख देते हैं 6 के। क्लियर, यहां पर रख देते हैं वाई इक्वल टू कितना रख दिया 6 के इक्वल टू 2 x, 2 × 3 = 6। तो एक्स की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारी 3 k। क्लियर, अब जरा देखो यहां पर भी हम के को क्या सपोज कर सकते हैं, टाइम सपोज कर सकते हैं। तो उसे अगर हम यहाँ पे के को टाइम सपोज कर ले तो एक्स का जो डिस्टेंस है वो कितने सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा 3 सेकंड में। क्लियर, नहीं तो ऐसा भी ले सकते हो, यहाँ पर इसके आगे स्पीड इक्वल टू क्या होता है हमारा, टाइम इक्वल टू क्या होता है हमारा डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम कितना है वही निकालना है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है एक्स, स्पीड कितनी हमने निकाल ली उसकी, डिस्टेंस जो है स्पीड हमने डिस्टेंस जो है हमारा वो कितना निकाला हमने 3 k। डिस्टेंस हमारा एक्स है, एक्स की वैल्यू कितनी निकाली हमने 3 k, स्पीड हमने कितनी सपोज करी है उसकी k। तो k से k क्या हो गया कैंसिल, टाइम जो आ गया वो कितना आ गया हमारा 3 सेकेंड। क्लियर, स्किप करके इसको जल्दी से नोट करो, फिर करते हैं हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 16 जो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, एक टावर है, टावर से क्या है कुछ पॉइंट्स है, एक जो पॉइंट है वो 4 मीटर की दूरी पे, एक जो पॉइंट है वो 9 मीटर की दूरी पे, एक जो है 4 मीटर के डिस्टेंस पर, एक है 9 मीटर के डिस्टेंस पर। और उस पॉइंट पे कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है वो एंगल नहीं दे रखा है हमें कि 60 डिग्री है वो, 45 है, 90 डिग्री है, लेकिन क्वेश्चन में इतना हिंट दे रखा है कि वो जो एंगल है वो कैसा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्लियर,
जरा देखो आप, जरा हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारा टावर है और 4 मीटर के डिस्टेंस पे कुछ एंगल यहाँ पे बना रहा होगा और एक 9 मीटर, ये टोटल डिस्टेंस कितना 9 मीटर हो जाएगा, इधर का कितना हो जाएगा मतलब 5, तो 5 मीटर यहाँ से इस पॉइंट से कितना हो गया 5, 5 पे कुछ एक एंगल बना रहा है एलिवेशन, एक इधर बना रहा है, वो जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, ऐसे एंगल जिनका सम कितना हो 90। तो हम सपोज कर लेते हैं ये वाला जो एंगल है वो कितना है हमारा थीटा, तो इधर वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, इन दोनों को अगर ऐड करें तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो इधर थीटा हमने क्यों सपोज करा, मान लो ये एंगल है हमारा 40, इधर 90 में से 40 चला गया तो कितना बचा हमारे पास 50, इधर 50, इधर क्या हो गया हमारा 40। ठीक है, या फिर हमने क्या करा इसको कुछ और सपोज कर लिया, कुछ भी एंगल दे सकते हो, हमने इसको ले लिया थीटा, इसको 90 माइनस थीटा, क्योंकि इधर वाला जो एंगल होता है वो क्या होता है हमारा छोटा होता है, जैसे इधर जाते जाते हमारा एंगल क्या होता जाता है बड़ा हो जाता है। क्लियर, इसको हमने ले लिया 90 माइनस थीटा, इसको ले लिया हमने थीटा। इस टावर की हाइट को सपोज कर लेते हैं एच, नाम दे देते हैं इसका ए बी सी डी, ये जो टावर की हाइट है ये हमें फाइंड करनी है। क्लियर, और एंगल जो है हमारे वो भी हमें क्या करने हैं फाइंड करने हैं। पहले तो हम हाइट को देखते हैं, तो लिखते हैं हम इन ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, टेन थीटा कितना यहाँ पर कुछ भी नहीं, टेन थीटा ही है यहाँ पर, तो परपेंडिकुलर कितना एच, बेस कितना है 4, यहां से कुछ निकला क्या, नहीं निकला यहाँ पर, तो इसको बना लेते हैं हम फर्स्ट, क्योंकि यहां से कुछ वैल्यू निकली है क्या हमारे पास, नहीं निकली है। अब देखते हैं नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, टेन थीटा कितना है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, थीटा कितना है इधर 90 माइनस थीटा, तो लिख देंगे टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, बेस कितना है इसमें, टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है परपेंडिकुलर हमें है एच, और बेस कितना हो जाएगा टोटल 9। अब जरा देखो यहाँ पे कुछ चीजें याद आनी चाहिए तुम्हें, टेन 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, टेन का अपोजिट होता है कोट, तो टेन 90 माइनस थीटा जो होता है हमारा क्या होता है वो कोट थीटा, कोट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एच बाय 9। क्लियर, कोट थीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई एच बाय 9, ये बन गई हमारी फर्स्ट और ये बन गई हमारी सेकेंड। अब देखो जरा ये दोनों इक्वेशन है, इसको हम कैसे क्या करें कि हमारी एच की वैल्यू निकल जाए, तो क्या कर सकते हैं हम इन दोनों को ऐड कर दें तो उससे कुछ ऐड निकलेगा क्या, माइनस कर दें उससे कुछ निकलेगा, डिवाइड कर दें उससे कुछ निकलेगा, नहीं क्या मल्टीप्लाई करने पे निकलेगा, तो निकलेगा बिल्कुल, तो हम क्या करेंगे नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट टू इक्वेशन टू, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन टू का मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसका रीजन अभी पता चल जाएगा क्यों, लेफ्ट हैंड का लेफ्ट हैंड से मल्टीप्लाई, राइट हैंड का राइट से, तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एच बाय 4 इंटू एच बाय 9। अब जब देखो टेन का अपोजिट क्या होता है कोट, या फिर कोट का अपोजिट क्या होता है टेन, किसी एक को चेंज कर देते हैं, टेन थीटा इक्वल टू ओ टेन थीटा, कोट को हमने क्या कर दिया चेंज कर दिया, कोट का अपोजिट होता है टेन, तो कोट का रेसिप्रोकल लिख दिया हमने 1/10 h into h h square डिवाइड में 4 9 36, 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल, इक्वल में क्या बचा सिर्फ 1, 1 इक्वल टू h square डिवाइड बाय 36, 36 बन जा 36 इक्वल टू h square, 36 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, h की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास 6, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। हाइट निकालनी थी, हमने हाइट कितनी निकाल ली उसकी 6, और यहाँ पे क्या लगा दोगे जो भी यूनिट दे रखी है उसकी वो लगा देंगे। ये है हमारी एक्सरसाइज 9.1 के सारे क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं, पहला इसका पार्ट वन वीडियो हमने देख लिया जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से 9 तक देखा है, उससे पहले का जो वीडियो था उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन था कि कहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, कहाँ पे डिप्रेशन होता है, साइन थीटा कब लेना है, टेन थीटा कब लेना है, तो अगर वो नहीं देखा है तो उसको देख सकते हो। ठीक है, अगले वाले वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, तब तक के लिए अगर इसमें कोई डाउट हो तो मुझे यहाँ पर कमेंट करके और अपने दोस्तों में लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Yeah.